धीरे धीरे करके एक पेंटिंग और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों से उन पेंटिंग्स और कलाकृतियों के विवरण ले रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद हाय, आई एम कीर्तना फ्रॉम क्लास 10 इन क्राइस्टल स्कूल तिरुवनंतपुरम केरला। एज वी ऑल नो आवर क्लासेस हैव शिफ्टेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देयर इज सो मच डिस्ट्रैक्शन इन आवर होम्स इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सर, सो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंप्रूव द लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू कीर्तना। Honorable sir, online education has challenged not only students and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, sir. I'm Chandrachudeshwaran from the Ashoklaland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad. क्योंकि आप लोगों ने बताया कि इधर इधर भटक जाते हैं, थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं। मैं आपको हाथों पर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव करे होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर नहीं होता। जो चीजें ऑफलाइन होती है वही चीजें ऑनलाइन भी होती है। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था, तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके बाद में युग बदल गया, आने लगी तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए। हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे
तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई है, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। अर्जित करना है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकृत करूं, और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को मान लीजिए, यहां साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई टीचर में होता है पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि मां ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देखूंगी, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही, पहले आपके जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के, आज असीमित संसाधन है। इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे, और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए। लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है, आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो ये मत करो, अब रुक जाओ थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है, तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, इनर लाइन होंगे, जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें। सर, मैंने आपसे प्रश्न, नए अवसर कैसे प्रदान करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद मैम। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु
देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पूरा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की माननीय राज्यपाल, अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे, आज ये बड़ी खुशी की बात है। भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से एक नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही इसका मुक्ति मंत्र रूप। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है, परीक्षा पे चर्चा। मित्र, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा, और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों, थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे, सोचा तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा। आपकी उम्र 40 पहुंच चुका है, और इन्हीं बच्चों को, भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते, आज परीक्षा पे चर्चा के 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूँ, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप वैसे साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा, मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको या आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा,
और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है वो कौन कौन है? ज्यादा तो वही है। कल विक्रम संवत नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाता है। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाए, उसको रंगों से कैसे भर दे, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है, मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा, लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस पीड़ित किसी की मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह, तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे, लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटर्न टैक्स के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहाँ छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रोसाइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? मिनिस्टर सर, इस परीक्षा पूरी होने पर खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम खुशी जैन है, मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दक्षिण पूर्व महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? देखिए आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है।
तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयरनेस में कमी है? कहने को हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत थी नहीं हुई होगी, वो क्या है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस तरह से इन बच्चों में आएगा इस उम्र से लेकर, वही आगे जाकर भी इनका बड़ा हथियार बनेगा जब वो नौकरी पेशे में जाएंगे और देश से बाहर जाकर भी अपने लिए नौकरी के जो नए नए आयाम है उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस उसके पीछे की प्रेरणा क्या है और क्या उन्होंने बनाया है, जाहिर किया है इन तस्वीरों के जरिए आने वाले समय में, क्योंकि दो साल से बच्चे अपने घरों में ही थे, ऑनलाइन एजुकेशन ही उनका माध्यम था, लेकिन ये तैयार कर सकते हैं, चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं और अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। कलाकृतियां और प्रदर्शनी, पेंटिंग की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री, ये प्रदर्शनी उन्हीं छात्रों द्वारा लगाई गई है जिनके जरिए ये कलाकृतियां, या की मनोभावना क्या थी पेंटिंग को बनाते वक्त या इन कलाकृतियों को बनाते वक्त, और वो क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, इतनी सुंदर सी गुड़िया डॉल को तैयार किया है तो उन्होंने, और शायद इसी वजह से आज का जो ये कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं लेकिन अभिभावक भी और टीचर्स भी, जो कि दो साल के अंतराल के बाद स्टूडेंट्स को वापस अपनी क्लास में देखेंगे, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। उन सभी के पास ये मौका है कि जो हजार स्कल्पचर्स की, उसके जरिए भी एक तरह से बच्चों को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हर चीज सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी अगर आप में आप आर्टिस्ट हैं, कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसे जाहिर कीजिए, दिखाइए दुनिया को। और खुद प्रधानमंत्री आज बच्चों को देखे, छोटे बच्चे, हर उम्र के बच्चे वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात रहे हैं, उनको दिखाने के इस मंच पे ऊपर पहुँचे। कैलकुलेटर देख रहे हैं शायद समस्या, यदि बच्चे से जुड़ा हुआ ये आईपैड पर समस्या कोई ऐप के जरिए वैलिड करें।